तो ब्लॉग गाइस कैसे हो मेरे सारे भाई। और आज हमारे पास आई है मेरा बहुत प्यारा दोस्त है पार्थ शरावत, मेरे कॉलेज का ही है, मेरे साथ का ही पढ़ा हुआ है। तो उस भाई की अपनी XUV 500 कार आई है अपने पास और बहुत ही बेहतरीन गाइस ये कार है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है उनके पापा, ये जहाँ की जो हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे, हम मेन दिल्ली के अंदर खड़े हुए हैं नियर तादसी सिटी के पास। सो हियर इज द कार गाइस, दिस इज W11 मॉडल एंड लुक एट दिस, कितनी बेहतरीन और वेल मेंटेन कंडीशन में रख रखी है पार्थ ने ये गाड़ी, बहुत अच्छी लगी। और ये टॉप ट्रिम है गाइस, जैसा कि अगर आप आगे आना चाहोगे तो मैं ये दिखाऊं, टॉप ट्रिम है, इसके अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं जैसे कि आप इसको देख सकते हो, अगर इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। देन अगेन वी हैव अ फॉग लैम्प, दिस बिग महिंद्रा ग्रिल, व्हाट डू यू कॉल इट, अ महिंद्रा पेटेंट ग्रिल, ओके। और ये HP से रजिस्टर्ड है, क्योंकि जैसे कि पार्थ जो मेरा भाई है उसके पापा को पोस्टिंग आती रहती है, तो उनने HP जब वो पोस्टेड थे जब उनने कार खरीदी थी गाइस। तो जैसे कि हम आगे आना चाहेंगे तो इसके अंदर स्टॉक टायर तो नहीं लगा रखे, ये टायर बदले गए हैं अभी, ब्रिजस्टोन के मेरे भाई ने लगा रखे हैं। और ये 17 इंच डिफॉल्ट टायर आता है, ठीक है, 17 इंच का जो अलॉय व्हील है वो डिफॉल्ट आता है। और जैसा कि मैं अगर आपको पास से दिखाना चाहूँ तो इसकी अगर हम विड्थ देखने की बात करें तो 235/65R17, तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा जो इनका कॉम्बिनेशन है। एक भाई चीज़ मैं पार्थ को और सजेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली इन एलॉय व्हील्स को थोड़े ब्लैक करवाएं तो और अच्छी लुक आएगी इसके अंदर। सो जैसे कि आप देख सकते हो टॉप ट्रिम कार है हमारे पास। और अगर हम पीछे आना स्टार्ट करें तो इसके गाइस 17 के बाद जो मॉडल आया था उसके अंदर हमारी बैकलाइट्स थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन ये मेरे भाई का 16 मॉडल है तो उसके अंदर ये जैसे कि आप देख सकते हो W10 गाइस, सॉरी मैं आपसे बताना वो थोड़ा सा वो हो गया था W10, लेकिन ये सनरूफ वाला मॉडल है गाइस। तो ये पीछे से कुछ ऐसा इसका लुक है। और सबसे बेहतरीन जो मुझे लगती है ये जो इनका लिखते हैं लिव यंग लिव फ्री, तो गाइस ये महिंद्रा की एक पेटेंट लाइन है जो हर गाड़ियों में लिखी आती है और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। मेरा भाई इसे पहाड़ों में ले जा चुका है, हर जगह ले जा चुका है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर चुका है इस कार से। जैसे कि आप देख सकते हो एक एक्सप्लोर अनसीन 2 करके चैनल है, वहाँ पे वो XUV के साथ कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप यू वोंट बिलीव कि ये स्पीति तक जाती है, लद्दाख तक जाती है, बहुत अच्छी कार है। महिंद्रा एक बहुत अच्छा इंजन प्रोवाइड करती है इस कार के अंदर। और जैसा कि मैं पार्थ जी से अगर पूछना चाहूँगा तो पार्थ जी इसके अंदर इंजन अपना कौन सा है, कितने CC का इंजन है इसके अंदर, इसमें कितना सीसी का है, 2500 CC का है, 2000 CC का है, 2500 CC का है, सो 2500 CC इंजन है गाइस इसके अंदर। जैसे कि हम आगे आना चाहेंगे इसके पास तो ये मेरे भाई ने कर्टन्स लगवा रखे हैं इधर, और ये 7-सीटर गाड़ी है और बहुत इजी हम इसके अंदर बैठ के 7 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो हियर इज द इंटीरियर, लुक एट दिस गाइस, कितना ही बेहतरीन मेरे भाई ने अच्छी तरह मेंटेन करके रख रखी है कार। एज यू नो डिफेंस वालों की कार बहुत ही ज्यादा हाईली मेंटेन होती है। तो जैसा कि हम इंटीरियर के अंदर आना चाहेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये महिंद्रा की चाबी दिखाना चाहूंगा, कितनी बेहतरीन चाबी है इसकी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ ये गाड़ी आती है हमारी। और जैसा कि अगर मैं आपको इंटीरियर के बारे में दिखाना चाहूंगा, देखिएगा इस कितना नीट एंड क्लीन इंटीरियर रख रखा है पार्थ ने, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और इसका मेन अट्रैक्शन जो उस टाइम पे धमाका मचाया था SUV के अंदर, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सो दिस इज द सनरूफ, दिस इज नॉट अ पैनारोमिक सनरूफ गाइज, बट इज अ इट इज अ वेरी कंपैटिबल सनरूफ, आप एक बंदा आराम से इसमें निकल सकते हो और बहुत इजिली आप फन कर सकते हो। तो जैसे कि पार्थ मेरा भाई भी एडवोकेट है, सेम कॉलेज से हम पास आउट है, विप्स कॉलेज से। सो ये है कुछ हमारे फीचर्स। और अगर मैं इनसे कैमरा लेना चाहूंगा भाई से अपने, तो हियर इज द कार गाइज, दिस इज द कार, एंड कितना ज्यादा ही नीट एंड क्लीन। पर्सनली मुझे इसका इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगेन आई एम सेइंग, जो लोग अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं रस्तों में, वही गाड़ी उनसे बहुत प्यार करती है। सो हियर इज द इंटीरियर गाइस, लुक एट दिस। और ये जो मैं अगर आपको सीट इधर दिखाना चाहूंगा, सो दिस इज ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट, यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम हेयर,
लुक एट दिस एंड इट्स अ 7-way कन्वर्टेबल सीट, सो दैट्स वेरी गुड। और जो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा महिंद्रा की अच्छी लगती है, जो एक्सयूवी में पैडल्स देते हैं, ये बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम स्टाइल के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं गाइज। और लुक एट दिस, दिस इज़ द क्लस्टर मीटर एंड दिस इज़ द स्क्रीन। और गाइज इसी का पैसा है गाइज W10 में, ये बहुत ज़्यादा पैपी और अच्छी कार लगती है मुझे पर्सनली। अगर आप एक्सयूवी ले रहे हो तो सनरूफ होना तो बहुत कंपैटिबल चीज़ है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा रिलायबल चीज़ है। मेरे भाई को 4 साल हो गए गाड़ी रखते हुए, आज तक इसके अंदर कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा भाई इसको बहुत सारी जगहों पे ले जा चुका है। सो हेयर इज द ORVM। ये ऑटोमेटिक नहीं है लाइक हैरियर जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था हैरियर के शूट में, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग वेरी ग्रेट। एंड दिस इज द सनग्लास होल्डर गाइज, दिस इज द लाइट। ये अपने इसी के कंट्रोल के हैं, ये अपने ये लाइटें हैं। ये थोड़ी सी अभी डिम हो रखी है लाइट, ये भाई ने बताया था अभी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो ये चेंज हो जाएगी। सो हेयर इज, दिस इज द इंटीरियर। लुक एट दिस गाइज, कितनी ज्यादा बेहतरीन कार बना रखी है अंदर से और कितना ही ज्यादा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। सो अभी हम इसकी, सो ये इसकी चाबी है और ये जो मैं दिखाना चाहूँ इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है गाइज। ये यहां से हम गाड़ी को क्लच दबा के, और ये देखिए ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है जैसे कि हम दिखाना चाहें। और अभी इसके अंदर ये गाना बज रहा है या फिर इसकी स्टार्टिंग साउंड है, ये गाना बज रहा है गाइज जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। ये हमने जीरो कर चुका है। तो ये टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है गाइज इस गाड़ी का, ये हमें बहुत अच्छी तरह बता देता है कि कौन से टायर में कम है कौन से टायर में ज्यादा है। हियर इज द म्यूजिक सिस्टम। और महिंद्रा ने बहुत अच्छा वर्क किया है इसके ऊपर, जहां तक मैं पर्सनली जानता हूँ महिंद्रा ने बहुत ज्यादा रिलायबल चीज निकाली है मार्केट के अंदर जो कई सालों से चलती आ रही है, और आपने भी इसको देखा होगा। सो हियर इज द रेडियो सिस्टम, व्हाट यू कॉल इट, इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये मीडिया के अपने कंट्रोल्स हैं, USB, USB वीडियो, USB फोटोज, ब्लूटूथ, ऑक्स एप्स। और ये हमारी है सेटिंग गाइज, इसमें हम इक्वलाइजर सारे अपने बैलेंस फेड स्टार्ट ऑडियो जितनी भी है हम सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। एंड हेयर इज द होम बटन गाइज, ये आपका कार इन्फोटेनमेंट का होम बटन है जिसमें कार इन्फो यहाँ पे आ जाती है कि कितना ये ट्रिप कर चुकी है, इसका कितना टायरट्रॉनिक प्रेशर होता है, रेव कैमरा क्या होता है, इसका अलर्ट इन्फो। अगर हम रेव कैमरे की तरफ आएंगे तो हेयर इज द कैमरा गाइज, विदाउट एनी गियर, आप बिना गियर के इसके अंदर बैक व्यू देख सकते हो। ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले महिंद्रा ने निकाल दी थी, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। और हेयर इज द AC कंट्रोल पैनल, लुक एट दिस, दिस इज अ ऑटोमेटिक यूनिट, तो यहां से आप सारी चीज कर सकते हो। अगेन वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है गाइज, लेकिन जिस टाइम पे जो फीचर्स प्रोवाइड करती थी महिंद्रा, आज की डेट में शायद ही एक्सयूवी आप अभी जो मॉडल्स देख सकते हो SUV के, वो उतने अच्छे फीचर्स आज भी प्रोवाइड नहीं करती जो उस टाइम पे महिंद्रा प्रोवाइड करती थी। और जब ये मार्केट के अंदर आई थी 2010 के अंदर, तो तहलका मचा दिया था गाइज इस गाड़ी ने। इसकी बुकिंग के लिए लोग दीवाने हो गए थे इस गाड़ी के लिए, इतनी ज्यादा बुकिंग चलती थी इस गाड़ी पे लंबी होने के बाद। और गाइज उसके बाद फिर हमारे पास मार्केट में बहुत सारे अब हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। इवन नेक्स्ट ईयर जो हमारा XUV500 का फेसलिफ्ट क्या कंप्लीट जो न्यू वर्जन आ रहा है, यू वोंट बिलीव, उससे ऊपर मार्केट में शायद ही कोई SUV हो पाएगी इस सेगमेंट में। जहां की मैं बताना चाहूं, एक टाइम पे शायद मेरा जहां तक मानना है जीप कंपस को, क्रेटा को, सबको बहुत पीछे छोड़ चुकी होगी ये गाड़ी, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स आने वाले हैं। और अभी तक जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है इसके अंदर 4x4 का भी ऑप्शन आने वाला है गाइज। सो हेयर इज द सनरूफ। अगेन जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा भी है और पैसा जो लगाया हुआ है कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो एक सनरूफ होना ही चाहिए उसके अंदर और एक आदमी आराम से निकल जाता है। तो ये है मेरा भाई पार्थ शेरावत। मेरे भाइयों को सबको नमस्ते कह दो, जो भी है ये मेरा भाई बहुत अच्छा भाई है। तो पार्थ जी मैं ये पूछना चाहूंगा, ये गाड़ी आपने कब ली? ये 2016 में ली थी मेरे। थोड़ा अगर पार्थ जी आप कैमरे की तरफ देखना चाहोगे तो ये गाड़ी आपने कब ली और क्या एक्सपीरियंस था? ये 2016 में ली थी जब मेरे डैड गोवा में पोस्टेड थे, तो गोवा में ये गाड़ी ली थी, HP से नंबर करवाया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दो साल ये गोवा में चली है काफी, तो गोवा में काफी अलग अलग ड्राइव है, तो आप वहाँ पे ऑफ रोडिंग भी आपको काफी मिल जाएगी, बीच पे भी चला रखा है इस गाड़ी को। अच्छा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस गाड़ी का। तो पार्थ जी अगर मैं इसकी इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद स्टिल अगर मैं इसकी आपसे एवरेज पूछना चाहूंगा तो ये इन सिटी क्या एवरेज दे देती है?
ये आज की डेट में आपको दे देती होगी 12-15 के आसपास। 12-15 के? तो गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने हैरियर का भी शूट किया था और हैरियर से भी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, लेकिन स्टिल अगर इतनी अच्छी एवरेज दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इसका आर्मरेस्ट है गाइस, बहुत ज्यादा फंक्शनल है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कितना ही बढ़िया आर्मरेस्ट है। हियर इज द व्हाट यू कॉल इट हैंड ब्रेक। ओके, ये इसका गियर सिस्टम है और ये जो कंप्लीट एक पैनल यहाँ से या एकदम रिवर्स स्टाइल में ये जो होता हुआ आता है, ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ये यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूंगा, सिगरेट लाइटर है यहाँ पे, यहाँ पुश स्टॉप स्टॉप बटन है, यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स एंड ऑल इन सब के बटन है। हियर इज द एसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल। ओके, देन ये जो कार है ये देखिए गाइस, यहाँ से भी ये फंक्शनल है। अगर पाद जी आप इसे खोलना चाहेंगे तो ये देखिए, ये भी काफी फंक्शनल कार है। इन केस ऑफ अगर आपको कुछ भी रखना हो, छोटे सिक्के रखने हो, कुछ भी रखना हो, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइज अब अगर हम इसकी पाद जी अब अगर मैं आप अब हम इस गाड़ी को थोड़ा रन करके देखते हैं, और गाइज चलाने के बाद जो मैं अगर आपसे एक्सपीरियंस बताऊं तो ये जिस हिसाब से खिंच रही है, जिस हिसाब से इसका क्लच है, लग नहीं रहा है गाइस ये 2016 मॉडल है। आपको चलाने के बाद अब भी ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे भाई ने गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से रख रखी है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही अच्छी चल रही है गाइस ये। अभी एक बार हम इसका इनिशियल पिकअप भी देखेंगे इस गाड़ी का कि कैसी हमारी ये रन करती है नॉर्मल रोड पे। और जैसा कि हम आपको ये सोसाइटी दिखाना चाहें तो ये डिफेंस के ऑफिसर्स की सोसाइटी है। मेरे जो फ्रेंड है इनके पापा भी नेवी के अंदर ऑफिसर हैं। सो ये अगर हम थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करें इसका तो लुक एट दिस गाइस, बहुत ही ज्यादा रिलायबल और अच्छा इंजन देती है हमें टाटा महिंद्रा। तो ये बहुत ही अच्छी चल रही है और पर्सनली मुझे ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लुक एट दिस, इसमें ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो एक्सयूवी बहुत ज्यादा खड़ी है क्योंकि डिफेंस वालों की पहली पसंद एक्सयूवी होती है, वन देन अदर टू। अभी मैं आपको अगर यहाँ पे राउंड भी मार के दिखाऊं तो आपको इजिली 8 से 10 एक्सयूवी नॉर्मल दिख जाएंगी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो। ये बहुत ज्यादा अच्छी है और पाजी कितने हजार किलोमीटर। तो गाइज एक बहुत बड़ी बात, मेरे भाई ने कम चलाई है कार, ज्यादा नहीं चलाई, 32,000 चला रखी है, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस जो है बहुत रिलायबल है इस कार की। अगेन जो मैं आपको दिखाना चाहूं, डिफेंस में एक्सयूवी लवर्स बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। अगेन एक और एक्सयूवी खड़ी है यहाँ पे और पर्सनली मुझे भी ये कार बहुत अच्छी लगती थी जब मैं इसको खरीदने की सोच रहा था एक बार, लेकिन अगेन फिर उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे को डस्टर दिला दी। सो दैट्स नॉट एन इशू। सो पार्थ जी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आपने टॉप स्पीड इसकी कितनी रन कर रखी है अभी नॉर्मल? इसको हम 140 तक लेके जा चुके हैं हाईवे 140 तक। और वहाँ पे कोई भी ऐसी कंपन या फिर इसके अंदर किसी टाइप की वाइब्रेशन? कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे हमको स्कॉर्पियो से काफी कंप्लेंट्स आती थी कि 100 के बाद वो गाड़ी। एग्जैक्टली गाइस, तो अभी स्कॉर्पियो का भी शूट अभी मैं डाल दूंगा इस शायद इस वीडियो से पहले स्कॉर्पियो का हम ब्लॉग डाल दें। तो अगेन वो 2016 मॉडल गाड़ी थी, मेरा भाई है अभिनव दैया उसकी गाड़ी थी, तो उसने मुझे बताया था कि जो 2016 के टाइम पे जो स्कॉर्पियो आती थी उसमें 100 के ऊपर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और कैबिन नॉइज बहुत ज्यादा आती है। और जो मैं पर्सनली ये कार चला रहा हूँ मुझे इसमें जीरो कैबिन नॉइज आ रही है, जैसे कि आप मेरी साउंड क्वालिटी भी देख सकते हो। और अभी हमने सनरूफ कुछ नहीं खोल रखा है गाइज। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी गाड़ी लगी मेरे को क्योंकि मेरे भाई ने एक मेंटेन करने की भी ऊपर बात हो जाती है, तो जैसे कि ये डिफेंस में है तो इनकी कार टाइम टू टाइम सर्विस होती रहती है। सो गाइज लुक एट दिस, लुक एट दिस कंसोल, कितनी बेहतरीन और प्रीमियम कार लग रही है इस टाइम पे, बहुत अच्छी कार है। और ये मेरे भाई ने अभी स्टिकर लगा नहीं रखा, लेकिन ये देखिए गाइस रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भाई के पापा का स्टिकर है। अभी हम थोड़ा मेन रोड की तरफ आ गए हैं और अब मैं अगर इसकी एक्सेलरेशन करूं तो लुक एट दिस गाइस, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ चुका है अपने इधर। लुक एट दिस, कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी ये गाड़ी चढ़ रही है, यू वॉन्ट बिलीव। ये देखिए गाइस 100 पे चढ़ने में मेरे भाई की गाड़ी मिनट नहीं लगाती क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छी सर्विस है इस गाड़ी की। और जैसे कि अभी हम सरदार पटेल मार्ग की तरफ शूट कर रहे हैं गाइस, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉश इलाका है अपना। तो अगेन हम यहाँ से यू टर्न लेना चाहेंगे एक बार, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, अगर हल्का सा हम एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे इस गाड़ी का, तो गाइस यहाँ से अभी हम थोड़ा सा एक्सीलरेशन टेस्ट करते हैं इस गाड़ी का। सो लुक एट दिस, ये देखिए गाइस कितनी बेहतरीन चढ़ रही है अपनी ये गाड़ी, और 100 पे जाने में मिनट नहीं लगाया इस गाड़ी ने। और पार्थ जी जैसा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स मोड है या नहीं? हाँ जी स्पोर्ट्स मोड है इसमें,
अलग अलग मोड है, इकोनॉमी मोड भी है इसमें। ठीक है, जैसे आपको चाहिए। पहला गियर हमने लगा चुका एंड वी रेडी टू रोल। ये देखिए गाइस कितना ही बेहतरीन पिकअप है इस गाड़ी का, जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड गियर में ही इतनी ज्यादा उठ जाती है ये गाड़ी। और गाइस इस गाड़ी के लिए 100 कुछ भी नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो अभी हम एक बार बाहर निकल के भाई से पूछते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इस गाड़ी को लेने के, क्योंकि भाई मेरा 32,000 चला चुका है। अगर मैं थोड़ा देखूं इसके अंदर तो थोड़ा सा अपने कटिंग की प्रॉब्लम है गाइस इस गाड़ी के अंदर। कटिंग रेशियो हल्का सा थोड़ा मुझे हैरियर से कम लगा, क्योंकि वो इतने जगह पे मुड़ जाती है और उसकी सबसे बड़ी राइवल अभी मार्केट के अंदर यही है। सो ये देखिए कुछ ऐसा इंटीरियर। ये मेरा भाई पार्थ, ये सक्षम जी हैं जो हमारे साथ शूट में आए हुए हैं। ये भी मेरे कॉलेज के बहुत अजीज भाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। हाय बोलता सक्षम एक बार सबको। तो ये कुछ ऐसी कार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज फॉर दिस अमेजिंग कॉन्टेंट। जैसा कि हम गाड़ी के बाहर आ चुके हैं, तो पार्थ मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स लगे आपको, क्या इसमें अच्छाइयां लगी, क्या इसमें बुराइयां लगी, वो थोड़े हमारे ऑडियंस को आप कन्वे करो एक मैसेज कि क्या इसके अंदर जब आप लेते टाइम क्या चीज देखो, और क्या आप प्लान कर रहे हो, कैसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, और क्या आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हो, और जो भी है आपके दिल में इस कार से रिलेटेड हमारे भाइयों को बताओ कि कब तो आपने खरीदी थी, जब आपको कितने की पड़ी थी। और जहाँ तक कि मैं बताना चाहूँ, ये मेरे भाई ने थ्रू CSD निकलवाई थी। तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ आते हैं हम। मेन आप प्रोज एंड कॉन्स बताओ इस गाड़ी के। जब ये गाड़ी निकली थी तब क्या बोलते हैं, इससे बेटर फीचर लोडेड गाड़ी थी नहीं शायद। जब ये गाड़ी आई थी तब ये बहुत फीचर लोडेड गाड़ी थी, और जो ये रेंज में थी तब क्या बोलते हैं, ऐसी फीचर शायद ही और किसी गाड़ी में नहीं थी। और यहाँ पे आपको सनरूफ भी था और सब कुछ था, और चलाने में बहुत अच्छी है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। पिकअप अच्छी है, माइलेज भी अच्छी है, और क्या बोलते हैं, सारी अच्छी चीज़ें लगी, और इसका लुक भी मेरे को काफ़ी पर्सनली पसंद आया। तो पर्सनली आपने जब ये 32,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हो, तो इसके अंदर कुछ खामियां भी निकलती हैं जैसा कि एक ओनर को पता रहता है, तो कुछ हमें कमियां भी बताओ इस गाड़ी की, जो आपको लगता है कि और चीज़ें एड ऑन हो सकती थी इस बजट के अंदर, और क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं पसंद आते इतने ज़्यादा इस कार के, तो हमारी जनता को थोड़ा सा बताओ। देखिए अभी क्या बोलते हैं, अभी काफ़ी नई गाड़ियाँ आ गई है मार्केट में, तो इससे डेफिनेटली बेटर फीचर्स आ गए और बेटर ड्राइविंग हो गए हैं। तो क्या बोलते हैं, आजकल आपको इनसे काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो कट अच्छा मारती है। इनके कट में थोड़ी है दिक्कत, कट में है थोड़ी दिक्कत, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया था, जब टर्निंग रेडियस जो होता है वो थोड़ा कम है XUV500 का। और पार जी, और इसमें क्या आपको बुराई लगी, और पर्सनली कुछ अगर आप बताएं? ये है एक और के क्या बोलते हैं, वो जो लास्ट में आदमी बैठेगा, अगर वो मेरे जितना बड़ा आदमी है तो शायद ना बैठ पाए। हाँ एग्जैक्टली, ये तो हमारी सारी इंडियन SUVs का जितना भी है एक ही बोलबाला रहता है कि लास्ट जो थर्ड रो होती है वो इतनी ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं होती। अभी एक इंडियन मार्केट में ओनली एंडेवर ऐसी है जिसके अंदर थोड़ा सा हम इजिली बैठ सकते हैं, अदरवाइज जितनी भी SUVs आ रही है उसमें सारी पीछे ओनली बच्चे ही बैठ सकते हैं, ज़्यादा बड़े लोग नहीं बैठ पाते। तो जैसे कि मैं इसके बैक साइड की तरफ आना चाहूँगा, तो ये डिफॉगर्स भी हैं इसके अंदर हमारे, और जो रियर वाइपर भी है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको माउंटेन्स के अंदर, जब आपकी कार डर्टी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हेयर इज़ द बूट गाइज, लुक एट दिस। अगर हम थर्ड रो को हटा देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा बूट हो जाता है हमारे पास, अच्छी लोडिंग कैपेसिटी आ जाती है हमारे पास। इवन अगर आप देखना चाहोगे तो थर्ड रो के अंदर भी हमारे AC वेंट्स हैं, और दोनों तरफ इधर अगर सक्षम भाई दिखाना चाहेंगे तो ये AC के कंट्रोलर्स भी इवन लास्ट उसके अंदर दे रखे हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स का भी है हमारे पास ऑप्शन, अगेन यहाँ पे हम अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, और ये छोटी एक वैनिटी सी ट्रे है जिसके अंदर हम रख सकते हैं चीजें। और जैसा कि मैं सीट को उठा के आपको दिखाना चाहूं, तो ये देखिए गाइज अब हमारे पास बूट स्पेस 0 है गाइज इस गाड़ी के अंदर। हार्डली हम एक से दो बैग रख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये कुछ हमारा थर्ड रो है जिसके अंदर, जहां तक कि मेरा मानना है कि अगर मेरी जितना अगर कोई हाइट का होगा 5'8" 5'9" तो वो इजीली आ जाएगा, लेकिन अगेन मेरे पार्थ जितनी पार्थ की हाइट है 6 फुट, उन जो 6 फुट के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा गाइस पीछे बैठना। ओवरऑल कार मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, महिंद्रा ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था और बहुत साल पहले ही कर चुकी थी। और अब जो इसके अंदर फीचर्स आने वाले हैं जो अपडेट मॉडल में, यू वोंट बिलीव गाइस, वो बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स होंगे और बहुत ज्यादा लोडिंग के साथ होंगे।
तो ये मेरे पास कुछ चाबी है इस गाड़ी की गाइज, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 2016 के अंदर कितने ज़्यादा फीचर्स दे दिए थे। ये हमने गाड़ी लॉक कर दी है, ORVM ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं इस कार के। और अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैं गाड़ी के इतने क्लोज हूँ, अगर मैं ये बटन दबाऊँगा तो ये देखिए गाड़ी अनलॉक हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर 2016 में ही दे चुकी थी महिंद्रा, और महिंद्रा एक बहुत फ्यूचरिस्टिक गाड़ी बनाती है। सो थैंक यू, ये अपनी XUV500। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रफ्तार यादव ब्लॉग। लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब जिन मेरे भाइयों ने नहीं किया है तो ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रफ्तार यादव ब्लॉग।